गुड मॉर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा जनजातियाँ। जनजाति के बारे में देखें तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और इस टाइप की जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, तो देखो जनजाति जो है आर्टिकल 366 में आपको जनजातियों के बारे में बताया गया है कि जनजाति किसको मानेंगे। हाँ, तो आर्टिकल 366 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातियों या समूह को मानेंगे जो संविधान के आर्टिकल 342 में अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए हैं। मतलब जिनको भी आर्टिकल 342 में अनुसूचित जातियां माने गए हैं उन्हीं को हम जनजातियां मानेंगे। इसी के तहत राष्ट्रपति जो है वो आम सूचना जारी की जाती है और संसदीय मतलब संसद जो होती है किसी भी जनजाति समूह तथा उसके अंशों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल भी सकता है और उसमें जोड़ भी सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे गोंड हो गया, बेगा हो गया, भील हो गया, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जनजाति संग्रहालय की बात करें तो भोपाल में देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हुआ था 1995 में हुआ था और इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो गैर शासकीय अध्यक्ष होते हैं। और इसकी जो अध्यक्ष होती है वो अभी के लिए जो है मीना सिंह जी है, सुश्री मीना सिंह जी है। आर्टिकल 242 की बात करें तो आर्टिकल 242 हम क्या है हमारे पास, तो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जिला जाति सलाहकार मंडल, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं। वैसे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो अभी मंत्री है वो मीना सिंह जी है। ठीक है, कौन है? मीना सिंह जी है। इसमें 25 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, ठीक है, ये होता है। ओके, मध्य प्रदेश में सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन भी किया था 1970 में ताकि लोगों को लोन वगैरह इजीली मिल सके, काफी सारी चीजें आसानी से हो सके। दूसरा हम बात करें इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय की, तो ये अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश में कुछ जातियों की बात करें तो सेताक जाति है, और जो मध्य प्रदेश है जो जाटव है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है जाटव। और तो सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ है एससी पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की, तो इंदौर में। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे है? झाबुआ में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ? उज्जैन में। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पर है? झाबुआ में। गोंडों की बात करें तो गोंड क्या होते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलेट समूह से संबंधित है ये, है ना। और इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? विंध्याचल, विंध्य और सतपुड़ा, ये जो एरिया है ना यहाँ पर ये ज्यादातर निवास करते हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पाए जाते हैं, ये वाला एरिया, विंध्य और सतपुड़ा वाला एरिया, ये वाला एरिया में थोड़ा सा ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इसका ये जो गोंड शब्द आया ये कहाँ से आया? तो एक तेलुगु शब्द होता है गोंड, इससे आया हुआ है, है ना। तेलुगु शब्द है गोंड, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पहाड़। क्या मतलब होता है? पहाड़। और ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण ही ने गोंड की उपाधि दी गई। इसमें बहुत सारी उपजातियां भी है जैसे अगरिया हो गया है, मतलब कुछ उपजातियों के नाम बताएं तो उपजातियां कौन कौन सी? अगरिया है। अगरिया कौन होते हैं? तो जो लोहे का काम करते हैं ना, लोहे का काम, ये वाली जाति, उस जाति को हम बोलते हैं अगरिया। एक होता है प्रधान। प्रधान क्या होता है? तो जो पुजारी का काम करता है, मंदिर में पुजारी क्या काम करता है, उस टाइप का काम अगर कोई करता है तो गोंडों में उस टाइप के जाति वालों को बोलते हैं प्रधान। कोयला भुत, कोयला भुत्ता, कोयला भुत्ता किसको बोलते हैं? तो नाचने वाले वाले गोंड, जो नाचने गाने वाले गोंड है उनको हम बोलते हैं कोयला भुत। ओझा, ओझा किसको बोलते हैं? नहीं, गाँव में तो बहुत सुना होगा ओझा आया, ओझा मतलब झाड़ फूँक की, ये सब टाइप की। तो पंडित आई, तांत्रिक, है ना, पंडित आई या तांत्रिक क्रिया जो करते हैं उनको सब ओझा बोलते हैं। और एक और होता है सोलहस, सोलहस जो बड़ाईगिरी का काम करते हैं ना, बड़ाईगिरी, तो बड़ाईगिरी का जो काम करते हैं उसको सोलहस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख उपजातियां हो गई। इसी के कोण ही है सब, लेकिन ये कोण की उपजातियां हैं। ओके, भौगोलिक वितरण बात करें तो भौगोलिक वितरण अभी बताया है कि ये जो आपका नर्मदा है ना, वैसे तो सभी जिलों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर जिले में पाए जाते हैं, सभी जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये जो नर्मदा है किस
दोनों किनारे जो विंध्याचल और सतपुड़ा है ना, ये रखा है ना, विंध्याचल उस तरफ है, भरतपुड़ा है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो है वहां पर थोड़ा सघन मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पसपोर्ट है। शारीरिक विशेषताएं बात करें तो शारीरिक विशेषताएं क्या है, संतुलित, शारीरिक संतुलित होता है, त्वचा तो इन बालों का रंग काला होता है, जैसे आप इनको देख सकते हो कि ये त्वचा का जो रंग है होता काला होता है। दाढ़ी मूछ बहुत कम आती है, मतलब बाल क्लीन रखते हैं या फिर कमी आते हैं इनके, ठीक है, और नाक बड़ी और फैली होती है, जैसे इनके आप देख सकते हो नाक जो है बड़ी और फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विस्तार की, बात सामाजिक विशेषताएं क्या है, सामाजिक विशेषताओं में अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार के साथ और एकल परिवार भी रह सकते हैं, मतलब साथ में रहना भी पसंद करते हैं, एकल भी रह सकते हैं। विवाह में बहुत सारे के विवाह चलते हैं, जैसे विनियम विवाह, विनियम विवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जैसे मामा मामा की लड़की से या फिर बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं, बोलने में अजीब लगता है लेकिन है ऐसा, इन लोगों में चलता है और ये बहुत श्रेष्ठ मानते हैं उस चीज को, मामा की लड़की से या बुआ की लड़की से शादी कर लो तो ये बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विनियम हुआ, या दूध लोटा हुआ भी बोलते हैं, एक ही इस परिवार के है ना, दूध लोटा हुआ टाइप की प्रथा होती है। एक होता है हरण विवाह, हरण विवाह मतलब नाम में वैसे लग रहा है जैसे अपहरण कर लिया, लेकिन वैसी बात नहीं है, हरण करके ले जाते हैं और उससे भी विवाह कर लेते हैं। एक होता है विधवा विवाह है ना, इस टाइप का विधवा, विधवा पता ही है, विधवा हो जाती है तो उससे शादी कर लेते हैं, तो वो भी फेमस है इसमें। आगे बात करें हम आर्थिक, आर्थिक विशेषताओं के लिए तो कृषि पर भी निर्भर होते हैं ये, शिकार पर निर्भर होते हैं, वन पर निर्भर होते हैं ना, कुछ अस्थायी कृषि भी करते हैं, और जो अस्थायी कृषि करते हैं उसको बोलते हैं झूम कृषि है ना, और जो हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए। झूम में क्या होता है कि वहां रहते हैं कुछ टाइम, वहां जंगल वंगल काटते हैं, वहां खेती वेती करते हैं, फिर वो बंजर हो जाती है, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं झूम खेती है ना, तो यही होता है इसमें। सांस्कृतिक विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइप के मनोरंजन के काम करते हैं ये, है ना, और इनमें बहुत सारे नृत्य भी है, कौन कौन से नृत्य, फेमस नृत्य है जैसे कर्मा हो गया, सेला हो गया, कर्मा सेला, भड़ोनी भड़ोनी, बिरहा बिरहा, कहरवा, सजनी सुवा है ना, सजनी सुवा, ये सब फेमस नृत्य है। कर्मा तो आपने नाम सुना होगा, और खासकर बिरहा, बिरहा तो एक गायन भी है, उसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है, और विवाह के बारे में तो बता ही चुका है ना, मामू बुआ की लड़की से थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं ये लोग, ओके। और उपजातियों के बारे में हम देख ही चुके हैं, ये टाइप की उपजातियां हैं इसमें। अच्छा गोंड भी दो टाइप के होते हैं इसमें भी, उपजातियां तो ठीक है, इसके अलावा भी गोंड भी दो टाइप के होते हैं, एक राजगोंड। अब राजगोंड क्या होते हैं, जिनके पास भूस्वामी होती है, मतलब भूमि होती है, भूस्वामी, इनके पास जमीन वगैरह होती है, उसको बोलते हैं राजगोंड। और एक होता है धुरगोंड, धुरगोंड जो होते हैं वो साधारण वर्ग होते हैं, साधारण वर्ग मतलब जमीन वगैरह ना हो, नॉर्मल टाइप के, मजदूरी करना ये इस टाइप के, ये होते हैं साधारण, ये गोंड हो गया। आगे हम बात करें भीलों की, बात करें है ना, देखो गोंड जो है वो मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भील की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, और ये मालवा निमाड़ क्षेत्र में है, मालवा निमाड़ मतलब इस वाले एरिया में थोड़ा सा ज्यादा बसा हुआ है, ये जो एरिया है इस तरफ भील है, ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ सहरिया है, बेंगा सब जगह है, गोंड है इस वाले एरिया में थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, कोल कोर को इधर इस तरफ रहते हैं, है ना, तो ये हमारे हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा भील के बारे में बात कर लें तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा बसे हुए हैं भील, ठीक है। अच्छा भील जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो तमिल भाषा का एक शब्द है, तमिल भाषा का कौन सा शब्द है, तो विल्लुवर, इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। अच्छा इस शब्द का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो इस शब्द का मतलब होता है धनुष, और वैसे भी भील लोग जो होते हैं ना वो तीर कमान वगैरह का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तीर कमान का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें भील भी कहा गया है, भीली भाषा बोलते हैं ना, राजस्थानी, गुजराती, मराठी सबका मिश्रित रूप है भीली, भील भाषा। और ये देखो ना ये इस वाले एरिया में रहते हैं, तो इधर राजस्थान भी पड़ता है, गुजराती भी पड़ता है, इधर मराठी भी पड़ गया, तो मतलब ये वाला पूरा एरिया जो है भीलों के लिए है, भील, ओके। भौगोलिक विशेषताएं में देख ही चुके हैं हम लोग, धार झाबुआ खरगोन बड़वानी, धार झाबुआ खरगोन बड़वानी, तो ये देख लो ये धार हो गया, ये झाबुआ हो गया, खरगोन और ये बड़वानी, ये वाला एरिया है ना,
यहाँ से मिल जाते हैं भिन्न को। शारीरिक विशेषताएं बात करें तो भील जो होते हैं सामान्य होते हैं, मतलब सेकंड वॉल्यूम कम हो गया इसका, सामान्य सॉरी टिकने होते हैं, मतलब ज्यादा हाइट वगैरह होती नहीं है इसमें ना। त्वचा का रंग तांबाई होता है ना, दिखने में सुंदर ही लगते हैं, जैसे इन्होंने कलर वलर कर दिया है सर, लेकिन सुंदर ही लगते हैं। तो शरीर सुगठित एवं मजबूत होता है, तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं होंगी। दूसरी बात करें सामाजिक विशेषताएं की बात में, तो पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता की ज्यादा चलती है अपना, है ना, पितृसत्तात्मक। ठीक है, संयुक्त परिवार भी है, प्रचलित है, बहुत सारे विवाह भी इनमें। कौन कौन से विवाह फेमस है, तो नियमित विवाह जो नॉर्मल होते हैं इस तरह से, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह और इन टाइप के विवाह को ये गंधर्व विवाह बोलते हैं। एक होता है हरण विवाह, है ना, और एक और चीज इनमें चलती है कन्या मूल्य। कन्या मूल्य मतलब बोलने में तो अजीब लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब इनकी शादियां होती है ना, तो ये लड़कों वालों से पैसे लेते हैं। हाँ, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लड़कों वालों से पैसे लेते हैं, तो से कन्या विवाह होता है, कन्या मूल्य बोलते हैं। आर्थिक विशेषताएं के बारे में बात करें तो आर्थिक विशेषताएं क्या है, ये तो ज्यादातर लोग तो किसान ही होते हैं, कृषक ही होते हैं ना। कुछ लोग क्या कर देते हैं, लकड़हारे श्रमिक भी होते हैं, कुछ आर्थिक दयनीय स्थिति कुछ ज्यादा खराब होती है, तो कुछ लोग चोरी डकैती भी कर लेते हैं, है ना। अभी एक बार एमपीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आ गया था कमलनाथ जी की सरकार में, तो बहुत बवाल टाइप का हो गया था, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें होती हैं। ओके, अच्छा, ये पहाड़ी वनों को काटकर और जलाकर खेती करते हैं, और उस टाइप की जो खेती होती है उसको बोलते हैं दाहिया, है ना, नाम याद जरूर है ना। मतलब क्या करते हैं, ये पहाड़ों को काटते हैं, वनों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं दाहिया। दाहिया झूम खेती भी वैसी होती है उस टाइप की। सांस्कृतिक विशेषताएं की बात करें, दशहरा दीपावली सब कुछ मनाते हैं ये लोग, और होली के 8 दिन पहले यहाँ पर इनमें एक मेला लगता है, इस मेले को बोलते हैं भगोरिया मेला। कौन सा मिला, ये भगोरिया मिला, भगोरिया मिला है जो फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, इनमें भील में भी 2 टाइप के भील होते हैं, जैसे गोंडों में 2 टाइप के होते हैं, राजकोण धूलकोण, तो भील भी 2 टाइप के होते हैं। अब एक होता है उजला भील, कौन कौन से भील है, उजला भील, और एक होता कालिया भील। कालिया भील, ये उजला भील जो होते हैं थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा मानते हैं ये लोग कि हम श्रेष्ठ हैं, और उजला भील जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं भिलाला, और जो कालिया भील होते हैं ये थोड़ा सा इनको नीचे होते हैं, और उजला भील जो होते हैं ना वो कालिया भील को अपनी लड़की नहीं देते हैं, लेकिन कालिया भील की लड़की है उससे वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, इनका थोड़ा स्टेटस ऊपर क्यों होगा, क्योंकि जो राजपूत वगैरह थे वो इन्होंने इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसीलिए इनका स्टेटस थोड़ा सा ऊंचा हो गया। और गुदवा, गुदवाने की प्रथा बहुत ज्यादा है, मतलब देख रहे हो आप शरीर पे ये बहुत सारे गुदवा रखे हैं, तो उसी को बोलते हैं गुदवा गुदवाना, है ना, गुदना। गुदवाने की प्रथा बहुत फेमस है। इनके जो मकान होते हैं, घर जो होते हैं, है ना, मकान, उसको हम बोलते हैं कू, क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं, कू। ठीक है, और एक खास बात है इसमें इनके मकानों में, कि इनमें खिड़कियां नहीं होती है, खिड़कियां नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, इनकी जो खेती होती है, मतलब जिस तरह से ये खेती करते हैं काट पीट के इस तरह से, उसको बोलते हैं चीमाता, क्या बोलते हैं, चीमाता, है ना, दहिया भी कहा जाता है, चीमाता भी कहा जाता है। इनमें दहेज प्रथा भी चलती है ना, और मतलब वही बता दिया है कि वधु पक्ष जो होते हैं ना वो वर पक्ष वालों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ 2016 में एक अभियान भी चलाया गया था, उस 2016 में जो अभियान चलाया गया था उसको नाम बोलते हैं, वो अभियान था साथीदार अभियान। कौन सा अभियान था, साथीदार अभियान। ठीक है, मैंने आपको 3 चीजों के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, एक तो हो गया हमारे लिए गोंड, भील और बेगा, तो गोंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भील हो गया, बेगा के बारे में देखते हैं, ये होते हैं बेगे, है ना। बेगा क्या है, एक आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है ना, ये भुईया जो है ना, मतलब भुईया जनजाति, वो उसी की जन शाखा मानी जाती है, कि ये उन्हीं के है, उन्हीं के पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। बेगा जो होते हैं द्रविड़ जाति के हैं, द्रविड़ जाति के हैं। ओके, और मंडला में एक समूह भरिया बेगा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इनको राजवंशी महत्ता भी प्राप्त है। अच्छा, इनके खाने वगैरह के बारे में है, तो जो सुबह का खाना होता है उसको बोल रहे बासी,
दोपहर का भोजन जो होता है पेच, रात्रि का भोजन होता है बियारी, ठीक है। और इनकी जो कृषि होती है उसको बोलते हैं बेवार कृषि। क्या बोलते हैं? बेवार कृषि होती है। ओके अच्छा, ये जो बनाते हैं ये लोग पेज ना, पेज बहुत पसंद है इनको दोपहर का खाना। ये बनता कैसे है? तो ये जो लेते हैं मक्का चावल है ना, और मक्का चावल और कुटकी, मक्का चावल कुटकी का जो घोल है उससे बना लेते हैं, तो ये उसका बनता है। इनके देवताओं की बात करें तो प्रमुख देवता जो है, देवता है इनके बूढ़ा देव, बूढ़ा देव है, ठाकुर देव है ना, ठाकुर देव है, दूल्हा देव है, ये तीन देवता है इनके। अच्छा, ये जो बूढ़ा देव है ना, ये फेमस है, भगवान महादेव है ना, उन्हीं के नाम पे है एक्चुअल में, वो बूढ़ा देव के नाम से पूछते हैं इनको। तो बूढ़ा देव है ना प्रमुख देवता है ये। और ये जो ठाकुर देव है, ठाकुर देव क्या होते हैं? जो ग्राम भूमि है, गाँव की जो भूमि होती है उसके देवता है, ग्राम भूमि देवता ये होते हैं। एक होते हैं दीवा दूल्हा देव। ये दूल्हा देव क्या है? तो दूल्हा देवता जो है वो बीमारियों से रक्षा करते हैं इनकी, बीमारियों से रक्षा जो करते हैं उस टाइप के जो देवता है उनको बोलते हैं दूल्हा देव।